मामले पर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपने भागलपुर से लेके पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षति की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं उनको इतनी घनी आबादी में भी नहीं करना चाहिए इस तरह का काम। अगर इस तरह का कुछ है तो उनको बाहर में जा करके टाउन से अलग जा कर करके कारोबार करना चाहिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ है, इधर प्रशासन को भी पहले से देखना चाहिए था कि किस तरह का हमारे इलाके में काम हो रहा है। सूझबूझ लेनी चाहिए, जब घटना घट गया और तब अगर उस पर हम लोग सूझबूझ ले रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी कम से कम जिला में चौकस होना चाहिए, जिला के साथ साथ पूरे बिहार में होना चाहिए कि इस तरह कहीं कारोबार अगर है तो उस पर अंकुश लगना चाहिए और घनी आबादी में अगर अभी भी कहीं कोई कारोबार कर रहा है तो उसका लाइसेंस उठा कर करके और शहर से बाहर उसको जगह दिया जाए और वहाँ वो कारोबार करे, ताकि किसी के लिए भी तो बहुत बड़ी क्षति है। ठीक सर, सरकार पूरी तरह से गंभीर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भी पूरी नजर है इस पर और जितनी फॉरेंसिक जाँच जितनी भी तरह की जाँच हो सकती है जाँच हो रही है और बहुत जल्द इस पर से पर्दा उठेगा कि ये विस्फोट हुआ क्यों और इसके पीछे कौन लोग हैं और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो नुकसान हुआ है लोगों का, जो हताहत हुए कैजुअल्टी हुए उनको विधि सम्मत उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनके साथ सरकार खड़ी है। उनसे मिला है निश्चित रूप से बेगुनाह भी मारे गए हैं तो उनको जो सरकार मदद करेगी, जो उनको मुआवजा है मुआवजा मिलेगा और सरकार उनके साथ, सरकार की संवेदना उनके साथ है। कल हम विधानसभा सत्र जो खत्म हुआ है और हम सीधे भागलपुर पहुंचे हैं, अभी हम यहाँ से सीधा मायक अस्पताल जाएंगे, जो घायल लोग उनका भी हाल जाने, उसके बाद शासन प्रशासन लोगों से लगातार हम बात करें, मिल करके यहाँ के एसपी साहब डीएम साहब से मिलकर उस पर बात करेंगे, बाकी हमको आगे ठेकार भी बताना है और जरूरत पड़ी तो सोमवार को फिर बजट सत्र के दौरान हम इसको जो है कि सदन पटल पर रख करके सदन को भी यहाँ की वस्तु की स्थिति अवगत कराएंगे। ताकि घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा क्षेत्र है, हमारा विधानसभा, हमारे सारे लोग वोटर थे, मैं सबको जानता हूँ और ये बताएं कि ये दुर्घटना घटी, आखिर ये लोगों को तो पता नहीं कि लाइसेंस लेके बेचना है, प्रशासन को ये चाहिए था कि ये तो बहुत दिनों से बना रहे हैं आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल, इनको चाहिए था कि ये इलाका है बहुत ही कंजेस्टेड है, बहुत छोटा छोटा मकान है, इनको अलग से जमीन देके लाइसेंस देके बनवाना चाहिए, आतिशबाजी बनना आपको बनना है तो यह निश्चित तौर पर प्रशासन की अनदेखी हो गई है। और मैंने सदन में भी कल आवाज़ उठाई और माननीय आग्रह किया है कुछ कड़ी कमेटी बना के इसका जांच कराइए और जो दोषी है उसको करिए, अगर थाना यहाँ बगल में है, थाना लोग कैसे नहीं जानते हैं, आतिशबाजी पहले भी घटना घटी है, 2018-2020 में बम विस्फोट हुआ है, बम मतलब ही आतिशबाजी का जो बारूद है, और ये गरीब लोग हैं, बिहार में गरीबी 52% है, लोग कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, काम करके रोजी रोटी का नहीं, प्रशासन का काम है उनको सिस्टम बताना है कैसे लाइसेंस लेना है, कहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये प्रशासन ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, ये लोग तो अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए अभी जैसे अभी ये लोग बता रही थी महिलाएं कि ये बाथरूम उनका वहाँ पर घर पर जो टूटा रहा था कुछ बचा है, अब बाथरूम जाने के लिए लोग जगह नहीं है, ब्लॉक करके रखे हैं, लेकिन मैं साबुन से बात करूँगा, जो घटना घट गई मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, उनको बसाने का काम करिए, लोग गरीब लोग हैं तो पैसे वाले लोग हैं नहीं, और जो भी काम हो आतिशबाजी का वो लाइसेंस देके जहाँ सुनसान जगह हो जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं हो वहाँ पर लाइसेंस देके वहाँ बनवाना चाहिए, ये प्रशासन की गलती रही है, प्रशासन अनदेखी की है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, गलतियाँ हुई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मेरे विधानसभा के।